Today we talk about the new national education policy. Now, why the NEP? Why does it, it affect you and me? It does. It affects our children, it affects our future, and even those students who go on abroad to join companies outside the country or even lead them. The national education policy is going to impact on the future of billions of Indians. The literacy rate in India is 74.04%. The literacy rate in the US is 79%. The World of Statistics has released a report on the world's most educated population. In the list of top 20 countries, India and the US stood nowhere. This year, the Indian government has increased the budget allocation by about 8%. Is education a central subject or a state subject? Because often it becomes a quarreling matter. The constitution had defined it as a state matter, but the constitutional amendment in nineteen seventy-six brought it under the concurrent list, both center and state. To speak on this vital topic, which affects all of us, we have in our studios today the Education and Skill Development Minister of India, Dharmendra Pradhan. Thank you, sir. Up AI Podcast may I. Thank you very much. Uh, हम विल बिगिन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि सब उसी के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि ये सब को इम्पैक्ट करता है हालांकि फॉर माई जनरेशन हम लोग एजुकेशन कर चुके हैं स्कूल एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन हो चुका है लेकिन सबके बच्चे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और फिर द यूथ ऑफ द कंट्री एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑन एवरीबडी एंड यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री चाहे हमारे कंट्री में और फिर बाहर जाके काम करते हैं सो दे स्टार्ट रनिंग कंपनीज आउटसाइड सो इट इम्पैक्ट्स ऑन एवरीबडी द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी तो पहले तो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या था क्योंकि वहाँ पे क्रिटिसिज्म था कि ये रोट लर्निंग है हम जो क्लास में जो सीखा है मेमोरी से उसको पेपर में ला डालना है सो दैट वाज द क्रिटिसिज्म अबाउट द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इन कंपैरिजन कैसा है विद द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थैंक यू स्मिता जी आपने आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में मेरे को बात करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार हूँ आभार प्रकट करता हूँ आपने कहा कि ये नई पीढ़ी के लिए एजुकेशन मैं उसको थोड़ा और व्यापक करना चाहूँगा एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग है एजुकेशन आपको भी चाहिए एजुकेशन मेरे को चाहिए रोज चाहिए नया चीज़ सीखना नया चीज़ जानना ये तो

छोटे गांव तक की बात पहुंच चुकी है कि चार्ट जीपीटी मनुष्य की क्रिएटिविटी को एक चुनौती है इसलिए इस प्रकार की नई चीज़ आते रहेगा और एजुकेशन के बारे में जिंदगी का एक हिस्सा भारत की लोगों ने माना है दुनिया के लोगों ने भी माना है उससे अगर हम आगे जाते हैं आपने स्पेसिफिक पूछा कि एन 2020 की विशेषता क्या है और इसकी पिछले नीतियों से तुलना करने से कैसे दिखता है मैं मानता हूं कि जब 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे अपना भरोसा जताया उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी उसमें एक प्रमुख एक्सपेक्टेशन रही कि भाई मोदी जी ने आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य कैसे चलेगा Hmm. फ्यूचरिस्टिक कैसे होगा ये दुनिया इसके लिए कुछ नीति बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यह पहला निर्णय किया इंफ्रास्ट्रक्चर का तो डेवलपमेंट किया जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम की डेवलप किया जाएगा लोगों की एम्प्लॉयमेंट की नई सृजन किया जाएगा लेकिन उससे सबसे ऊपर उन्होंने महत्व दिया ये सारा चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेटिव पाथवे तब बन पाएगा जब हम एजुकेशन की मौजूदा व्यवस्था में एक अमूलचूल परिवर्तन करें मैं जब मौजूदा एजुकेशन व्यवस्था कहता हूँ मैं ये नहीं कहूँगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में हमारी देश की एजुकेशन ढंग से नहीं चली चली तो इसीलिए आज स्मिताजी आप वहाँ हो मैं यहाँ जी, जी बिल्कुल हम तो एक एजुकेशन प्रोसेस से आए हैं जी। लेकिन अगर उससे एजुकेशन ऐसा एक विषय है उसको हम थोड़ा गहराई से देखते हैं अगर मैं बहुत रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री को अनुध्यान करता हूँ तिलक जी ने बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है उपनिषद की आयु जो कहा जाता है दुनिया की सबसे पुराना टेक्स्ट बुक है टेस्टामेंट है ग्रंथ है उसकी आयु आठ से दस हजार साल है इसकी अर्थ है कि देखिए अगर उदाहरण में आपको दूँ गीता उस उपनिषद का एक आगे चल के एक प्रारूप आया है गीता गीता के बारे में जो बातें कही गई है। आज भी यूनिवर्सल है, हाँ। है। इसके अर्थ है इसकी स्रोत कहाँ से है इस स्रोत अनंत काल से है उसको एक बुक फॉर्म पे उसको एक रिटिन फॉर्म पे भाष्य पे पहले उन दिनों में शायद भरबल हाँ, कम्युनिकेशन था, था।, हाँ, था। भाष्य में लाया गया फार बाद में उसको लिपि बनी लिपि में उसके बाद किताबों में लाया गया वो चलते आई है यह हमारी गहराई है चलते 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 देश हमारा जितना जिस प्रकार की संक्रमण में गुजरा जो आक्रांत हमारे देश में आए उनके मन में सदैव एक रहा कि जब तक हम इस देश को इंटेलेक्चुअली ओवरपावर नहीं करेंगे तब तक हम इस देश की जियोग्राफी को अख्तियार नहीं कर सकते हजारों सालों से तो ये चली आई है ये सिर्फ केवल अंग्रेजों से चली ऐसा तो नहीं है कुछ लोगों ने यहाँ देखे यहां जब आए कुछ सोच के आए थे कुछ यहाँ पहुंचे यहाँ रियलिटी देखे और कुछ बन गया ये अगर प्रक्रिया को हम एक दस हजार साल के इतिहास को अगर पिछले कुछ हजारों सालों में हम देखते हैं कि भारत में आइडियाज आए एजुकेशन से निकल के आइडिया आए मैं अगर आपको कहूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की गांव है बड़नगर गुजरात की बड़नगर बड़नगर गांव में अभी भी आप जाओगे वहाँ एएसआई वालों ने बहुत पुरातन चीज को निकाला हाँ, चाइनीज स्कॉलर का ना हुएंशा वही आए थे केवल चाइनीज स्कॉलर नहीं है हाँ। भारत में देखिए एक समय में हिंदू इजिम के साथ साथ बुद्धिज्म भी निकला जैनिज्म भी निकला ये हमारी भारतीय विचार प्रभाव के कई अनेक रूप निकले ये तीनों की विभिन्न कालखंड में गुजरते हुए बड़नगर में मोनिस्ट्री था महिलाओं के लिए अलग मोनिस्ट्री था उसी को समझने के लिए चाइनीज परिव्राजक ट्रैवलर भी वहाँ आए थे इसके अर्थ है कि हमारे हमारे देश में ये ज्ञान की शंकराचार्य शंकराचार्य जी दक्षिण से निकल के कश्मीर तक। पूरा भारत पर कश्मीर तक सीधा नहीं पहुंचे हाँ। गोवर्धन पीठ गए पूरी हाँ। बनाए द्वारका गए श्रृंगिरी होके हाँ। आगे जाके कश्मीर तक पहुंचे देश भ्रमण किए आधार क्या था आधार ज्ञान था आधार एजुकेशन था इस विरासत को अगर हम आगे ले आते हैं रिसेंट पास में विशेष करके जब अंग्रेज आए ब्रिटिशर्स हमको बुद्धिमान कम्युनिटी थे उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था पे गहरा चोट किया मैकोले जी की नेतृत्व में एक रणनीति बनी कि भारत की शिक्षा को डिरेल किया जाए नई तालीम कहा गया कभी गांधी जी ने उसको कहा योगी अरविंद जी ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही ये सब भारतीय पद्धति की शिक्षा प्रणाली थी जीवन प्रवाह में ये था इसके लिए कोई अलग क्लासरूम सिर्फ लगाना क्लासरूम से ही सिर्फ शिक्षा होती है नौ से पांच में शिक्षा होती है ऐसे नहीं था मैं अगर अगर जिंदा जागता एक उदाहरण आपको दू रामायण लिखे वाल्मीकि उसको भारत में लोकप्रिय कौन करवाए लोकप्रिय आज... मुनि तुलसीदास जी ने किया दोहा बनाया उसमें और आज भारत की लोक कथा में वो दोहा चलता है कोई क्लासरूम तो पढ़ाई नहीं गया है ट्रूथ क्या है कंपैशन क्या है इमोशन क्या है ये भारत की तथाकथित आधुनिक परिभाषा में अनपढ़ लोगों में भी है उसके ऊपर वो दो प्रवचन कर सकते हो कहाँ से वो आया ज्ञान से शिक्षा से उसको डिरेल करने के लिए मैकोले मिनट्स में योजना बनाई है जिसमें हम आज़ादी के उपरांत भी उस पद्धति को जो मेरे को लगता है एक मैं आज संजोग से प्रधानमंत्री जी की भरोसे के कारण शिक्षा के काम देखता हूँ लेकिन मैं बचपन से मैं इस विषय का विश्वासी हूँ कि हमारी मनुष्यों ने स्वामी विवेकानंद जी हो आचार्य रविन्द्र टैगोर हो या श्री अरविंद हो या महात्मा गांधी जी हो भारत की मनुषियों ने जो देश की सपना देखा उसमें नई शिक्षा व्यवस्था आनी चाहिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था आनी चाहिए सभी ने अपना अपना विषयों में उल्लेख किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस बातों को आगे लेते हुए जिसमें अभी तक जो व्यवस्था हमारी बनी और पिछले दिनों में पिछले पचहत्तर साल में हमने कई क्षेत्र में कई फील्ड में हम अपना एक्सेलेंस ही दिखाए भारत की स्ट्रेंथ है मैथमेटिक्स भारत की स्ट्रेंथ है कंप्यूटिंग भारत की स्ट्रेंथ है क्वांटम कंप्यूटिंग इसीलिए आज भारत की लोग भारत की बौद्धिक क्षमता सुंदर पिछाई के नाम पे आए हैं सत्य नाडेला के नाम पे आए हैं ये सब आईटी क्षेत्र के ऐसे ही नहीं बने ग्लोबल चैंड डीएनए में कुछ है